मुझे एक बात सबको बतानी थी कि हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट्स में पर्सिक्यूशन तो देखा ही जाता है, लेकिन उसको पकड़ना कैसे? हर बार तो ये पेशेंट नहीं बोलेगा कि हैरान हो गया, परेशान हो गया, ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं करेगा हर वक्त। तो हमें उसके अल्फाज का इंतज़ार नहीं करना है कि वो हैरानी की बात करे तो हम डिल्यूजन परसिक्यूटेड या परस्यूड ले लें, लेकिन इस तरीके से बात करेगा। जैसे अभी जस्ट एक पेशेंट मेरे पास आके गया, तो ऐसे बताया उसने कि अरे मैं तो सर दुखता है मेरा, हंसते हंसते बोलती थी, बेलाडोना थी, सारे रूब्रिक बेलाडोना के निकले हैं, तो हंसते हंसते बोलती थी, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, और बताती थी कि यार सर इतना दुखता है, 3 दिन से गोली खाती हूँ तब भी मुझे नहीं मिटा, और रात को तो इसके पापा मुझे डांटते थे क्योंकि मैं इधर उधर टॉसिंग कर रही थी बेड में, तो नींद नहीं आ रही थी, तो मैं पर जो है सो नहीं पाई, तो उसके पापा मुझे डांटते थे कि तू सोती नहीं, मुझे परेशान करती है। अब उसके आगे उसने बोला, मुझे नहीं बोला, उसके साथ जो थी उससे बात की कि अरे तीन ऐसे, उसका टोन आप सुनिए, ये टोन अब उसी का कॉपी करने की ट्राई कर रहा हूँ। अरे जाने दे, 4 दिन से सर इतना दुखता है कि बात न पूछ। ये परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का फील उसके अल्फाज में हमने पकड़ा। तो ऐसे भी डिल्यूजन परसिक्यूटेड के वर्जन्स आते हैं, और परस्यूड में भी यही है। खांसी तो मेरे को 2 महीने से है, सर्दी तो 2 महीने से लगी है, ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे को मेरे पीछे पड़ी है या मेरे पीछे लग गई है, हर वक्त ये नहीं बोलेगा। तो हमें परस्यूड इस तरीके से लेना है, और रडार कॉन्सेप्ट्स में ये एडवाइस दी है कि प्रोसिक्यूशन के साथ परस्यूड लिया ही लिया जाए। वैसे हम हर केस में नहीं लेते हैं, लेकिन रडार की एडवाइस है, ये मेरी एडवाइस नहीं है, रडार की एडवाइस है, और मैं अक्सर उसको फॉलो भी करता हूँ।